उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से आई बड़ी खबर आपको बता देते हैं। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में लैंडस्लाइड, सिरोपगढ़ में पहाड़ी से सड़क पर मलबा आ गया। रुद्रप्रयाग श्रीनगर नेशनल हाईवे बाधित हो गया है और जेसीबी की मदद से रास्ता खोलने का काम जारी है। ये बड़ी जानकारी, किस तरीके से उत्तराखंड में लगातार बारिश कहर बरपा रही है उसकी तस्वीरें आपके सामने। रुद्रप्रयाग में लैंडस्लाइड हो गया, सिरोपगढ़ ये इलाका बताया जा रहा है, जहां पहाड़ी से अचानक से सड़क पर मलबा आ गया, जिससे रुद्रप्रयाग और श्रीनगर नेशनल हाईवे बाधित हो गया। हालांकि देखिए, बीआरओ की टीम मौके पर लगी हुई है और जेसीबी की मदद से रास्ता खोलने का काम जारी है। और इन तस्वीरों को भी आप देखिए, किस तरीके से पहाड़ी का बड़ा हिस्सा एकदम से सड़क पर आ गिरा, जिससे जो रोड है वो बाधित हो गई और कई जो गांवों का संपर्क है वो मुख्य सड़क से टूट गया। हालांकि जेसीबी मौके पर पहुंच चुकी है और अब इस रास्ते को खोलने का काम किया जा रहा है। और अब बात गुजरात की। गुजरात में बारिश ऐसी बरसी है कि इंसानी बस्तियां सिहर उठी है। शहरों में मानो नदियां बह रही हैं और गाड़ियां सड़कों पर चलने की जगह पानी में तैरने लगी है। मुश्किल हालातों ने लोगों को कहीं ना कहीं का नहा छोड़ा है। कुदरत के कहर के आगे तमाम इंतजाम धराशायी हो गए हैं। ये गुजरात का जूनागढ़ है, जहां बारिश ने ऐसा कोहराम मचाया कि इंसान त्राहिमाम कर उठे। देखिए कैसे आफत का ये सैलाब इस शख्स को अपने साथ बहाकर ले जा रहा है। इंसान मजबूर है, कुदरत के कहर पर किसी का बस नहीं चल रहा है। सड़कों पर सैलाब इस तरह से बहने लगा कि इंसान तो इंसान, बड़ी बड़ी गाड़ियां भी खिलौना बन गए। चीख पुकार मच गई। इस दौरान कोई नहीं था जो इस मुसीबत में फंसे शख्स की मदद कर सके, सिर्फ उसकी किस्मत के अलावा। जिसने साथ दिया और गुजरात पुलिस के जवानों ने वक्त रहते उसे बाढ़ से बाहर निकाल लिया। भारी बारिश के बाद बाढ़ ने जूनागढ़ में जमकर तबाही मचाई। जो गाड़ियां कभी सड़कों पर पर्राटा भरती थी, आपकी शान में चार चांद लगाती थी, वो पानी में तैरती दिखाई दे रही हैं। कई सोसाइटियां जलमग्न हो गई हैं। देखिए इस शैतानी सैलाब को, जिसके आगे हाईटेक जमाना घुटने टेक चुका है। सड़क पर इतना पानी आ गया कि लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला। देखिए कुछ लोग इस बाढ़ में फंसे हुए हैं, जरा सा हिलने की भी कोई कोशिश नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर पैर जमीन से एक बार उठे तो दोबारा टेक नहीं पाएंगे, ये गारंटी है। बाढ़ ने विकास की रोड पर ऐसा कब्जा जमाया कि जमाना जहां के तहां ठहर गया। इसे पार करके मंजिल तक पहुंचने की किसी में हिम्मत नहीं है। पूरे शहर में इस जल ने कर्फ्यू लगा दिया है। चारों ओर कुछ देखने को मिल रहा है तो वो है बर्बादी के निशान और बेरहम बाढ़। कुदरत के प्रकोप से जिंदगी जब जल संकट में घिर गई तो मजबूरों की मदद के लिए कुछ लोग भी जद्दोजहद करते दिखाई दिए।
इन तस्वीरों में देखिए, कुछ लोगों को रस्सी की मदद से सैलाब से बचाने की कोशिश की जा रही है। जूनागढ़ के लोगों ने शायद ही कभी सोचा होगा कि उनके घर के आगे से नदी बहे, लेकिन आज ये मंजर वो अपनी आंखों से देख रहे हैं। जूनागढ़ के गिरनार पर्वत पर मूसलाधार बारिश के बाद इस झरने का रौद्र रूप देखिए, ये खौफ से भरा है। पहाड़ से नदी विकराल रूप में बह रही है। सैलाब तो सैलाब ठहरा, वो एक जगह रुकता नहीं, बढ़ता जाता है, लेकिन पीछे छोड़ जाता है तबाही और बर्बादी के निशान और बेबसी के आंसू। ये देखिए, जब शहर से पानी उतरा तो यहाँ का मंजर किसी भीषण आपदा से कम नहीं है। गाड़ियां एक के ऊपर एक चढ़ी हुई हैं। लोग इन हालातों को देखकर ऊपर वाले से रहम की भीख मांग रहे हैं। पानी ने जूनागढ़ में जमकर तांडव किया। सड़कें तो नदी में तब्दील हुई, कारें तो बहीं, लेकिन मुसीबत तब और बढ़ गई जब कई घरों की छतें गिर पड़ी। ऐसे में लोग जान जोखिम में डालकर सुरक्षित जगहों की तलाश में जाने की कोशिश करने लगे। आपको ग्राउंड जीरो से तस्वीर दिखा रहे हैं। पानी का बहाव देखिए कि किस कदर पानी जब शहर में घुसा तो उसके बाद ये कितनी स्पीड से पानी आगे निकलता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीर लगभग जूनागढ़ में हर तरफ की है, जहां लोग फंसे हुए हैं और सुरक्षित जगहों पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। जूनागढ़ में आई बाढ़ के बाद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल गांधीनगर पहुंचे और राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र पहुंचकर जूनागढ़ के हालात की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने जूनागढ़ के जिला कलेक्टर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से स्थिति का जायजा लिया, जिसके बाद राहत और बचाव कार्य के लिए राजकोट से 4 नगरपालिका की टीम, 25,000 फूड पैकेट, NDRF की टीम जूनागढ़ रवाना कर दी गई। जूनागढ़ में बारिश बहुत ज़्यादा होने की वजह से CM साहब ने अपने सारे कार्यक्रम रद्द किए थे और कलेक्टर ऑफिस में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी। जूनागढ़ कलेक्टर साहब को संपर्क किया गया, स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर में संपर्क किया गया। जूनागढ़ में हालात कितने खराब हो गए हैं वो इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। लोगों की मदद के लिए SDRF और NDRF को भी मोर्चा संभालना पड़ गया। इतनी जोरदार बारिश हुई कि जिसके तहत पर्वत से बहुत पानी जूनागढ़ शहर के नदी नाला सब में आया। NDRF, SDRF वो सब टीमें वहाँ तैनात थे। गुजरात का शायद ही ऐसा कोई शहर बचा हो जहाँ बारिश ने कहर ना मचाया हो। अहमदाबाद के एयरपोर्ट की तस्वीरें देखिए, हवाई अड्डे पर यात्रियों से ज्यादा सैलाब नजर आ रहा है। जगह जगह जलभराव ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। हालात ये हो गए हैं कि अहमदाबाद के 5 अंडरपास बंद करने पड़ गए। बेलगाम बारिश ने सूरत की भी सूरत बदल कर रख दी है। लगातार बरसती आफत से जगह जगह जलभराव हो गया, पानी ने जिंदगी पर पहरा लगा दिया। गुजरात के नवसारी में बारिश ने रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। सड़क पर जब सैलाब उतरा तो जिंदगी थम गई। नेशनल हाईवे पर 5 से 7 किलोमीटर तक ट्रैफिक जाम हो गया। 5 से 7 किलोमीटर की ट्रैफिक जाम हुई थी और काफी पुलिस और वहीवटी तंत्र मिलकर काफी मशक्कत के बाद अभी ट्रैफिक अहमदाबाद की और मुंबई की और रेगुलर चालू हो गया है। नवसारी में हुए जलभराव के बाद लगभग सभी जगह से पानी को निकाल दिया गया। रेस्क्यू के लिए 40 टीमें लगाई गई। एक लापता शख्स की भी तलाश की जा रही है। 8 बजे से 12 बजे के बीच अप्रत्याशित बारिश हुई और उसमें 10 से 12 बजे के बीच 9 इंच बरसात हुई। इस वजह से जिले में और खास करके नवसारी सिटी के अंदर जलभराव की स्थिति उत्पन्न हुई थी, पर अभी सभी जगह से पानी निकल गया है। चारों ओर सैलाब और बीच में मदद की आस में एक बुजुर्ग महिला। ये तस्वीरें अमरेली के चीतल गांव की हैं, जहां भारी बारिश के बाद जब बाढ़ के हालात बन गए तो एक बुजुर्ग महिला वॉशिंग टैंक के ऊपर फंस गई, जिसे फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने मुश्किल हालात से बाहर निकाला। अमरेली में भी भारी बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं। यहां के टोडा गांव के पास एक नाला उफान पर आ गया। पुल पर पानी भरने से लाठी हाईवे पर ट्रैफिक बाधित हो गया। लगातार बारिश की वजह से अमरेली भावनगर नेशनल हाईवे बंद कर दिया गया।